मैं हूं जी मोहम्मद अशरफ़ पाकिस्तानी कौंसल जनरल इन सिडनी और मैं मुखातब हूं पाकिस्तानी आस्ट्रेलियन कम्युनिटी के मोज़ अफराद आस्ट्रेलिया में तालीम के लिए आए हुए पाकिस्तानी तलबा तलबात और पाकिस्तान से आस्ट्रेलिया के दौरे पर आए हुए पाकिस्तानी हम वतन जो आज कल पाकिस्तान वापस जाने की तगोदो में है हाल ही में पाकिस्तानी कौंसल खाना दो प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है उनमें से एक प्रोजेक्ट है कि जो पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया में आए थे और यहाँ पे फंसे हुए हैं वापस जाना चाहते हैं और उनको सफ़री सहूलियात की ज़रूरत है सफारत खाने को कौंसल ख़ाने को सिडनी में कोई अभी तक एक सौ उनसठ अफराद ने रबता किया हमने पिछले एक महीने के दौरान पाकिस्तानी अथॉरिटीज के साथ मुस्तकिल रता रखा और उनसे कोशिश की कि जी पाकिस्तान की से एक ऑस्ट्रेलिया के लिए स्पेशल फ्लाइट का इंतज़ाम किया जाए ताकि जो पाकिस्तानी यहाँ पे फंसे हुए हैं उनको वापस अपने मुल्क जाने का मौका मिले हमें कौनसल खाने में कोई एक सौ उनसठ के करीब लोगों की दरख्वास्त मसूल हुई इसी तरह कैनब्रा में और मेलबर्न में आल पा ऑस्ट्रेलिया बेस पे जो तादाद है वो कहीं ज़्यादा है अभी हाल ही में हुकूमत पाकिस्तान ने एक खसूस फ़्लाइट का इंतज़ाम किया है पाकिस्तान के लिए जो मेलबर्न से छब्बीस तारीख को यहाँ से जा रही है हमने आ, जो तमाम ये फहरिस्त थी हमारे पास लोगों की वो हमने पी आई ए के साथ शेयर कर दी है पी आई ए इस वक्त टिकटें इशू कर रहा है हमें इस बात का एहसास है कि जो फ़्लाइट आ रही है उसमें जो गुंजाइश है वो कोई ढाई सौ के करीब अफराद की है जबकि जो आ, लोग जाना चाहते हैं उनकी तादाद ढाई सौ से कहीं ज़्यादा है सो इसमें ये होगा कि कुछ लोग जा सकेंगे कुछ नहीं जा सकेंगे जो रह जाएंगे आपका कौनसल खाना मज़ीद कोशिश करता रहेगा कि कोई नई फ़्लाइट का भी बंदोबस्त किया जाए गवर्नमेंट के साथ रहा में हम मुस्तकिल रहेंगे मैं आप तक ये इतला भी पहुँचाना चाहूँगा कि एक गैरमसद इतला के मुताबिक कुछ निजी एयर हैं जो ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान के लिए कुछ फ़्लाइटें प्लान करेंगे आप प्लीज़ निजी एयरलाइनों के साथ भी रबते में रहें और देखें कि आपके पास वापस जाने के लिए और क्या क्या ऑप्शंस हैं बहर आपका कौनसल ख़ाना हमेशा हाजिर है और आपको मज़ीद हेल्प करता रहेगा बाकी जो लोग रह गए हैं उनको भी पाकिस्तान भिजवाने के लिए जो दूसरा प्रोजेक्ट है जिस पर हम काम कर रहे हैं वो है जो पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए थे ऑस्ट्रेलिया में तालीम हासिल करने के लिए जब ये कोरोना वायरस हुआ तो उनको कुछ माली मुश्किल का सामना है हमारे जो अक्सर तलबा वालबात हैं जब यहाँ पे वो तालीम हासिल कर रहे होते हैं तो साथ साथ वो जो वक्ती एम्प्लॉमेंट भी कर रहे होते हैं जिससे वो अपना जो तलीम का जुजवी ख़र्चा है वो उससे पूरा करते हैं जब कोरोना वायरस और लॉकडाउन हुआ तो उसमें से बहुत सारे बच्चों की जाब चली गई जिसकी वजह से वो माली मुश्किल का शिकार हैं हमने फ़ार पाकिस्तानी कम्यूनिटी के साथ मिल के एक जाम लायामल बनाया पहला काम तो हमने ये किया कि जो तमाम तलीमी दरसगा हैं जहाँ पर पाकिस्तानी स्टूडेंट थे उनको हमने आउटरीच किया सर्वे किया और हमारे पास एक कोई एक सौ साठ के करीब तलबा तलबात ने यह कहा कि उनको माली मुश्किल का सामना है और उसकी वजह से किसी को खुराक का मसला है किसी को रिहाइश का मसला है किसी को फीस का मसला है वगैरह वगैरह तो हमारी मदद की जाए मैं खराज तहसन पेश करता हूँ पाकिस्तानी आस्ट्रेलियन कम्यूनिटी को जो यहाँ पर मुकम है वो बहुत फोर्थ कमिंग थे इसमें उन वो आगे आए हमने उनके साथ मिल के छः कमेटियाँ बनाईं जो स्पेशलाइज कर रही हैं इन छः मसाइल को हल करने में जो तलबा को दरपेश हैं एक कमेटी खुराक को देख रही है उनके मसले को व उनको ग्रॉसरीज पहुँचा रही है किसी को ग्रॉसरी वाउचर्स दिए जा रहे हैं रेस्टोरेंट्स के साथ मिल के फूड फ्री ऑफ़ कॉस्ट उनको डिलीवर की जा रही है इसी तरह कुछ स्टूडेंट्स को तबी सहूलतों के मसाइल थे कि उनकी इंश्योरेंस में गैप्स थे तो उसकी वजह से हमने डॉक्टर्स का एक पैनल बनाया जो उनको मुफ्त भी सहूलतें फराम कर रहे। फिर हमने रेजिडेंस के लिए एक कमेटी बनाई कुछ तलबा थे जिनको रेजिडेंस के मसाइल थे कि उनके पास या तो कराया नहीं है या जिस जगह पर रह, रह रहे थे वो जगह उनको ख़ाली करना पड़ रही है तो हमने कम्यूनिटी की एक जो कमेटी है उसने बड़ी काबिल कदर इसमें खदमात अंजाम दी उन्होंने कुछ तलबा तलबात को एक्चुअल फ़िज़िकल रेजिडेंस प्रोवाइड की वो वहाँ पर रह रहे हैं कुछ को रेंट में मदद फ्राम की इसी तरह एक कमेटी है जो फीस के मामलों को देख रही है जो कि बच्चों के पास फ़ीस देने के, के माली वसायल नहीं थे तो उसके लिए यूनिवर्सिटियों के साथ रबता किया गया कि इनकी जो फ़ीसें हैं उनको मौखर किया जाए या उनकी किस्तें कर ली जाएँ कि ये बाद में जब इनको जॉब मिलेगी तो ये इसको को पे कर सकें इसी तरह हमने जो सबसे ज़्यादा काम किया वो ये था कि इन तमाम माली मुश्किल के की जड़ में ये है कि जी हमारे बच्चों की जॉब्स चली गई पार्ट टाइम हमने पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो बिज़नेसेस थे उनको दरख्वास्त की कि जी आप बर करम ये करें कि हमारे ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं इनको जो आपके पास जॉब्स हैं उनमें तरजीह दें हमने एक कमेटी बनाई जो जॉब प्लेसमेंट में हमारे स्टूडेंट्स को हेल्प कर रही है उस कमेटी ने भी बड़ा काबिल कदर अभी तक का कारनामा किया है कि उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को अकोमोडेट किया है कुछ को ये ट्रेनिंग्स दे रही हैं वो कमेटी अरेंज कर रही है उनके लिए कि जो इस वक्त अवेलेबल जॉब्स हैं उनके लिए अगर ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो ट्रेनिंग की सहूलत भी फ्राहम कर रही है मुझे मैं एक दफ़ा फिर पाकिस्तानी कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस सारे काम में आगे आए अल्लाह ताला रमज़ान के बाबरकत महीने में उनके इन कार खैर में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला इन सब को खुश रखे ये कौनसल ख़ाना हमेशा पाकिस्तानी कम्युनिटी और पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और हमारे वो पाकिस्तानी जो इस वक्त फंसे हुए हैं और वापस जाना चाह रहे हैं उनकी खिदमत के लिए हमेशा दिन रात हाज़िर रहेगा आपका बहुत शुक्रिया